जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन 3 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक, आईटीओ पर दिखी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली के झील चौक इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार। दिल्ली के करोल बाग इलाके में शराब की दुकान के बाहर लोगों की कतार, सुबह सुबह शराब खरीदने पहुंचे लोग। दिल्ली के मालवीय नगर में शराब की दुकान के बाहर लगी लंबी लाइन। दिल्ली के साथ देहरादून में भी दिख रहा है ऐसा ही नजारा, शराब की दुकान के बाहर लगी लंबी लाइन। दिल्ली के कई इलाकों में आज से खुले सरकारी दफ्तर और बैंक। गोवा के पणजी में ग्रीन जोन में खुले सैलून, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने की कवायद जारी, त्रिवेंद्रम से चाईबासा पहुंची दो ट्रेन। भोपाल में लॉकडाउन 3 के पहले दिन जरूरी सामान को छोड़कर नहीं खुली बाकी दुकान, रेड जोन में है इलाका। यूपी के गोरखपुर में कंस्ट्रक्शन को गति देने का काम शुरू, सड़क निर्माण में जुटे मजदूर। दिल्ली के कुछ इलाकों में शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन का काम, साइट को किया गया सैनिटाइज। लॉकडाउन 3 में मिली छूट का दिखा असर, दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में दिखा ट्रैफिक, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। लुधियाना में आज नौकरी पर निकले लोग, बसों से किया सफर। कोटा में फंसे 1200 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार पहुंची, बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर उतरे छात्रों को बसों में भेजा जा रहा है। यूपी के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का होगा संचालन, 50% सीटों के साथ जिले की सीमाओं में चलने की होगी इजाजत। देश में और बढ़ा कोरोना का खतरा, कोरोना के मामले 42,000 के पार। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक कुल 1,373 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 11,706 हुआ कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में नहीं थम रही रफ्तार, 13,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। दिल्ली में 4,500 के पार कोरोना से बीमार, कल से अब तक 427 नए मरीज मिले। मुंबई में 8,800 हुए संक्रमित, अब तक कुल 21 की गई जान। गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले, संक्रमितों में दिल्ली पुलिस का एक जवान शामिल, 72 लोग बीमार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के करीब, इंदौर में वायरस ले चुका है 77 की जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 35 नए मरीज, कुल 701 संक्रमित। राजस्थान में 2,886 लोग बीमार, कल से अब तक 114 नए मामले, 71 की गई जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।